लीजिए मैडम, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, आप चेक कर लीजिए। सब ठीक है ना? हाँ मैडम सब ठीक है। ये क्या मैडम, 20 रुपए? आपसे अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ, कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ जो आप मुझे 20 रुपए दे रही हैं। अरे ये भीख नहीं है, तेरी मजदूरी है, ये रख ले इसे। देखिए मैडम, 20 रुपए तो साइकिल पंचर वाले ले लेता है खाली हवा डालने के, और मैंने आपकी गाड़ी ठीक की है उसके बदले आप मुझे सिर्फ 20 रुपए दे रही हैं। कम लग रही है 20 रुपए? हाँ कौन से मेरी गाड़ी में तूने हीरे जवाहरात लगाए? एक तो आप कबाड़ा गाड़ी लेकर आई है, इसमें कितना सारा काम किया है मैंने, इसकी क्लच ब्रेक भी ढीली थी वो भी टाइट की है, तो जो मेरी मजदूरी बन रही है आप वो दीजिए, मेरे 500 रुपए होते हैं इसके। क्या 500 रुपए? हाँ मैडम 500 रुपए, और 500 रुपए भी आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, अगर देखा जाए ना तो आपके 1000 रुपए बनते हैं। 500 रुपए तो तू ऐसे मांग रहा है जैसे कितना बड़ा काम किया तूने, बस गाड़ी ठीक की है। मेरी मजदूरी के 500 रुपए बनते हैं, आप मुझे 500 रुपए दे दो, वैसे भी 1000 रुपए देने की आपकी औकात तो लग नहीं रही मुझे, आप मुझे मेरे पैसे दीजिए, मेरे पास और भी काम है। नहीं दूंगी तो क्या करेगा, ये रख तो, जैसे कि ना मुंह नहीं रखती मैं, इतना टाइम नहीं मेरे पास। मैडम मेरी बात सुनिए, मैडम मैडम ठीक है, मैं भी आपको ना यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक आप मुझे मेरे पैसे नहीं देंगी। अरे हट जा, आप जाकर दिखाइए, जब तक आप मुझे मेरे पैसे नहीं देंगी ना मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक जा। मिल गए पैसे, लगाऊंगी एक और खींच के तेरे। मैडम आप मुझे मार क्यों रही हैं? आपसे अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ मैं, अगर आप लड़की नहीं होती ना तो इस थप्पड़ का जवाब मैं भी दे सकता था आपको, आप जानती नहीं मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ। क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करूंगा अभी बताता हूँ। ये लीजिए, आप जाके दिखाइए यहाँ से। चाबी दे। नहीं देता चाबी। नहीं मैं बोल रहा हूँ चाबी दे दे। जब तक आप मुझे मेरे पैसे नहीं देंगी ना मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। चाबी दे मेरी। नहीं दूंगा। नहीं देगा चाबी तू? मैडम मैंने आपसे कहा ना जब तक आप मुझे मेरे पैसे नहीं देंगी मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अगर तूने चाबी नहीं दी ना तो मैं यहाँ भी दुकान है ना सारी तोड़ फोड़ कर दूंगी। आपको जो करना आप कर लीजिए, मैं ये चाबी नहीं दूंगा। तू जानता नहीं है मैं हूँ कोई। आप जो कोई भी हो आप मुझे मेरे पैसे दे दो और आप जाओ यहाँ से, मैं भी आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। तू मानेगा या नहीं मानेगा? नहीं। ठीक है फिर। अरे मैडम। क्या है? मैडम ये आप क्या कर रही हैं? दीदी वो लड़की देखो सामान फेंक रही। बोला था ना तोड़फोड़ मचा दूंगी। देखिए मैडम आप ये जो कुछ कर रही है ना आप ठीक नहीं कर रही है मेरे साथ। मैं भी वही देख रही हूँ पहलवान, चल तो जरा देखते हैं क्या माज रहा है। ऐसे मान जा वरना ये फेंक दूंगी और ये भी। देखिए मैडम। ओए पागल लड़की क्या कर रही है ये सब, इसका सामान क्यों फेंक रही है? देखिए ना दीदी मैंने इन मैडम की गाड़ी ठीक की थी, अपने मजदूरी के पैसे मांग रहा था इनसे, 500 रुपए बनते हैं, लेकिन ये मैडम मुझे 20-30 रुपए देकर यहाँ से जाना चाह रही थी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। तो इसकी वकील बन के आई है क्या? वकील तो छोड़, जज भी मैं हूँ और कानून भी मैं हूँ, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे के नर, फटाफट इसके पैसे दे दे वरना तेरे पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना जिंदगी भर तड़पती फिरेगी तू, समझे? चल दे इसके पैसे। रुक तुझे बताती हूँ मैं हूँ कौन। तेरी औकात तो तेरे फोन में बैलेंस डलवाने की भी नहीं है, एक काम कर ये ले मेरा फोन, जिस हिमायती को फोन करना है फोन करके बुला, चिंगारी यही खड़ी है, बुला तू। एक तो ये मैडम मेरे पैसे नहीं दे रही है और ऊपर से अकड़ दिखा रही है। आज इसकी सारी अकड़ मैं ही निकालूंगी और इसकी शराफत की चाशनी बना के तुझे ही पिलाऊंगी। पहलवान तू ही पिया है क्या? सबको पिलाऊंगी समझे। वो क्या है ना ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये मेरी दोस्त की गाड़ी है, रास्ते में खराब हो गई थी तो इसलिए मैं यहाँ पे ठीक करवाने के लिए आ गई, और मेरी दोस्त बहुत झगड़ालू है, अगर उसे ऐसी गाड़ी मिलती खराब तो वो तो फिर पता नहीं क्या ही कर देती, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे तो मैं क्या करती दीदी। तो तू फिर ठीक कराने के पैसे दे देती, वैसे इस गरीब के तूने जो नुकसान किए उसकी भरपाई कौन करेगा ये बोल तू अब। सॉरी दीदी मेरे पास इतने ही पैसे थे और वो मैंने इसको दे दिए, सॉरी भैया। ओ गाड़ी ठीक कराने के लिए पैसा नहीं है, दिमाग में इतना जहर भरा है, देख रही हो दीदी? देख रही हूँ पहलवान, ये आज मेरे हत्थे चढ़ गई है, तू देख मैं इसका क्या हाल करती हूँ। दीदी अगर आप मुझे कल तक का टाइम दोगे तो मैं इनके सारे पैसे इनको वापस कर दूंगी। कोई बात नहीं मैडम, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये पैसे भी रख लो और आपको कल आने की जरूरत भी नहीं है। देख
इसे कहते हैं इंसानियत। एक तो इसने तेरी गाड़ी सही करी, तेरी मदद भी करी, और उसके बावजूद भी तू इसको पैसे नहीं दी, लेकिन फिर भी ये तेरे ऊपर तरस खा रहा है। दया आ रही है इसको तेरे ऊपर। इसे कहते हैं दिल की अमीरी, और तुझ जैसी औलाद को कहते हैं दिखावे की अमीरी, सिर्फ दिखावे की अमीरी। बहन जी, गाड़ी में तो है ना पेट्रोल, या तो दीदी से दिलवाऊं पैसा। मैं कभी भी दिखावे की अमीरी नहीं दिखाऊंगी। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूंगी। मुझे माफ कर दो दीदी। सॉरी भैया। सुन ले कान खोल के, आज के बाद से किसी गरीब इंसान को परेशान किया ना, जहां मिलेगी ना वहीं ढूंढ के जान से मार दूंगी, याद रखना। चल निकल निकल। सॉरी दीदी, सॉरी भैया। धन्यवाद दीदी, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। पहलवान, इनको 500 रुपए दे दे। अरे नहीं नहीं दीदी, इसकी जरूरत नहीं है। तारे रख लो, ये आपकी मेहनत का पैसा है, ठीक है? चलो खुश रहो। चल पहलवान। चिंगारी दीदी के बारे में बहुत सुना था कि वो गरीबों की मदद करती हैं, गरीबों के लिए भगवान है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया।